हम एक ऐसा फॉर्म बनाते हैं जो कि लॉगिन और पासवर्ड डेटाबेस से लेगा, और अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज का फॉर्म भी अवेलेबल हो जाएगा, जो ये वेरिफिकेशन के बाद के पुराना पासवर्ड ठीक है वो हमारे नए पासवर्ड को चेंज कर देगा। तो फॉर्म एप्लीकेशन बना लेते हैं, और इस एप्लीकेशन के अंदर हम क्योंकि लास्ट लैंग्वेज वीएल बेसिक सेलेक्ट की हुई थी तो इसने ऑटोमेटिकली वीएल बेसिक में बना दिया है। हम इसको सी शार्प में कर देते हैं क्योंकि हमारा एजेंडा सी शार्प है। तो इसको क्लोज करते हैं और फाइल न्यू प्रोजेक्ट और वीएल बेसिक की जगह वीएल सी शार्प और विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, और इसका नाम रख देते हैं पॉइंट ऑफ सेल डॉट वैन यू। हाँ जी, ये मेन फॉर्म है, इस पर मेन्यू लगा लेते हैं ताकि लॉगिन के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाए। मेन्यू लगाने के लिए हमारे पास मेन्यू बार का कंट्रोल है, ये मेन्यू स्ट्रिप डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्म पे आ जाएगी। यहाँ टाइप कर देते हैं एक सॉफ्टवेयर हम पॉइंट ऑफ सेल का सपोज कर रहे हैं, इसकी मेन स्क्रीन है, और मेन स्क्रीन का कैप्शन चेंज करते हैं, प्रॉपर्टी विंडोज को ओपन करते हैं, और यहाँ पर ये फॉर्म सेलेक्टेड है और प्रॉपर्टी विंडो के अंदर फॉर्म वन नज़र आ रहा है। हम इसकी जगह लिख देते हैं पॉइंट ऑफ सेल, और विंडोज़ की विंडो स्टेट नॉर्मल है, हम इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, और आप इसको चलाते हैं तो ये फॉर्म पूरी स्क्रीन पर आ रहा है। सिक्योरिटी लगाने के लिए हमें लॉगिन फॉर्म चाहिए। अब एक और फॉर्म ऐड करते हैं और उस फॉर्म का नाम लॉगिन फॉर्म रख देते हैं। राइट क्लिक करते हैं इसको, ऐड न्यू फॉर्म, और फॉर्म का नाम रख देते हैं FRM लॉगिन। लॉगिन फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और कैप्शन दे देते हैं, क्या पॉइंट ऑफ सेल की सिक्योरिटी। दो बटन्स, एक लॉगिन का और दूसरा कैंसिल का। टेक्स्ट बॉक्स दो, एक यूजर नेम के लिए और दूसरा पासवर्ड के लिए, और थोड़ा सा इनको बड़ा कर लेते हैं, बटन्स का साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और लेबल ले लेते हैं दो।
यानी पासवर्ड को सेट करने के लिए पासवर्ड चार प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर हम स्टैरिक दे देते हैं, तो जब भी टाइप करेंगे तो पासवर्ड में स्टैरिक। अब इसका नाम देना है, सारे कंट्रोल्स का नाम देने के लिए हमारे पास कौन सी विंडो होती है बताएं जी? डॉक्यूमेंट आउटलाइन की विंडो होती है, और इधर से इसको चेंज कर लेते हैं LBL पासवर्ड और LBL यूजर नेम और TXT यूजर नेम और TXT पासवर्ड BTN लॉगिन और BTN कैंसिल। सारे कंट्रोल्स का नाम दे दिया। अब ये वाले बटन्स नज़र ना आए उसके लिए हमें प्रॉपर्टी में कंट्रोल बॉक्स को फॉल्स कर देते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड को स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत है, जहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड हो, फिर उसको चेंज करना है हमारा। तो SQL सर्वर ओपन कर लेते हैं और SQL सर्वर के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फिर एक टेबल सिक्योरिटी का क्रिएट करते हैं, फिर उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, फिर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड इधर से ही चेंज कैसे करते हैं वो हम करके देख लेते हैं। तो जितनी देर में SQL सर्वर ओपन हो, हम लॉगिन वाले फॉर्म को इधर से ओपन करा लेते हैं। इसके लोड में मैं लिख देता हूँ FRM login इज इक्वल टू न्यू। ये शो डायलॉग कर देगा और इफ FRML.dialogResult = dialogResult.ok। अगर डायलॉग रिजल्ट इसका ओके है तो फिर ये क्या करेगा, दिस डॉट क्लोज, इसको क्लोज कर दे, और अदरवाइज ये क्या करेगा, एल्स मैसेज बॉक्स, एल्स ये कर देगा application.exit, एप्लीकेशन को एग्जिट कर देगा, बंद कर देगा यहाँ पर। तो अब हम हाँ जी, SQL सर्वर ओपन हो गया, इसको कनेक्ट करते हैं और एक डेटाबेस बनाते हैं इसमें। न्यू डेटाबेस, डेटाबेस का नाम रख देते हैं हम POS_DB। टेबल्स के अंदर राइट क्लिक करके नया टेबल बना देते हैं।
कोड यूजर नेम और पासवर्ड, इसको प्राइमरी की बना देते हैं, टेबल को सेव कर देते हैं, टेबल का नाम रख देते हैं लॉगिन, और यहां पर हम टेबल को रिफ्रेश करते हैं और टेबल पे राइट क्लिक करते हैं और टॉप 200 रोज को एडिट कर देते हैं। जी वैसे ही एडिट मोड में 200 से ज्यादा नहीं खोलता है एसक्यूएल सर्वर, एक ऑप्शन अवेलेबल है उसको मैंने ओपन कर लिया, एडमिन और ए बी सी पासवर्ड दे दिया, ठीक हो गया। अब हम अपने लॉगिन वाले फॉर्म में जाते हैं और लॉगिन बटन के ऊपर हम क्या करते हैं, यूजिंग अब हमने कनेक्शन बनाना है और उससे ओपन करके वेरीफाई करना है कि यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस से आया कि नहीं, कनेक्शन एसक्यूएल कमांड और फिर कनेक्शन को यहाँ कहते हैं न्यू एसक्यूएल कनेक्शन और कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू सर्वर नेम, डेटाबेस नेम इज इक्वल टू POS अंडरस्कोर DB और इंटीग्रेटेड रेटी इज इक्वल टू SSPR। हाँ जी, सर्वर का नाम कहाँ से मिलेगा, अच्छी बात सुन के जाना हाजिरी लगवाने के बाद।